हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू दी बंटू टेक टिप्स। आज हम बात करने वाले हैं टॉप 5 बजट गेमिंग ग्राफिक कार्ड्स के बारे में जो है अंडर 10,000 रुपीज। बात करते हैं पहले ग्राफिक कार्ड के बारे में जो है सोटैक ZT610 2GB DDR3 साइन एनर्जी एडिशन कार्ड। जैसा कि आप जानते हैं, आजकल इंडिया में भी गेमिंग का क्रेज बढ़ता ही जा रहा है। बच्चे गेम्स खेलना चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा, और लोग जो काफी सीरियस बजट गेमर होते हैं वो सोच समझ कर कार्ड खरीदते हैं। और अगर आप भी सीरियस सीरियस बजट गेमर हैं तो आपके लिए ये कार्ड नहीं है। आप थोड़े और पैसे जमा करके इससे बढ़िया कार्ड ले सकते हैं, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा। और इसमें थोड़ी बहुत अच्छी गेमिंग की जा सकती है। और अगर इसकी स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो ये रिलीज हुआ था 3 अप्रैल 2012 में, और इसका जिसके जो कोर्स है वो है 48 CUDA कोर्स है। इसकी बेस क्लॉक है 810 MHz, जो कि ओवरक्लॉक कर सकते हैं 850 MHz तक। इसकी मेमोरी क्लॉक है 900 MHz, और मेमोरी साइज इसकी 2GB DDR3 है। मेमोरी बस विथ इसकी 64 बिट्स है, और इंटरफेस इसका 16x स्लॉट है, और मिनिमम में 29 वॉट पावर कंजप्शन करता है। आप इसमें लेटेस्ट गेम्स खेल सकते हैं, जैसे कि GTA 4 है, ऑब्लिवियन है, डिसऑनर्ड है, और Fallout 3 है, काफी गेम्स है। इसको आप मिनिमम 720p पर खेल सकते हैं, मैक्सिमम 30 to 35 फ्रेम्स पर सेकंड पर बढ़िया सेटिंग्स के साथ, और गेमिंग के मामले में पर डिसेंट ग्राफिक कार्ड है। बात करते हैं अगले ग्राफिक कार्ड की ओर, तो वो है ZT Zotac ZT 732 GB DDR5 ग्राफिक कार्ड। ये कार्ड उन लोगों के लिए है जो लोग मिड लेवल गेमिंग करना चाहते हैं और साथ ही साथ फोटोशॉप एडिटिंग वगैरह करना चाहते हैं और कोरल ड्रॉ चलाना चाहते हैं। ये कार्ड इन सब कामों को स्मूथली हैंडल कर सकता है। और अगर इसकी स्पेसिफिकेशंस की बात की जाए तो ये रिलीज हुआ था 18 जून 2014 में। इसके 96 CUDA कोर्स हैं, बेस क्लॉक है 700 MHz, इसको आप तकरीबन 750 MHz तक ओवरक्लॉक कर सकते हैं। इसकी मेमोरी क्लॉक है 900 MHz, मेमोरी साइज इसकी 2GB DDR3 है, मेमोरी बस विथ 128 बिट्स। आपने ध्यान दिया पिछले वाले में मेमोरी बस विथ 64 बिट थी, 128 बिट्स है, यानी डबल है। तो ये बहुत थोड़ा बढ़िया कार्ड है उससे, और ये वही 16x स्लॉट पे चलता है। अगर आपका बजट 5,000 से 6,000 तक का है तो आप बिल्कुल इस कार्ड के लिए जा सकते हैं, बहुत ही अच्छा कार्ड है। ये कार्ड आपकी लेटेस्ट गेम चला सकता है, एटलीस्ट अगर आप इसे मीडियम सेटिंग्स पे चलाएंगे तो 50 to 60 फ्रेम पर सेकंड पर बहुत ही अच्छी गेमिंग कर सकते हैं इसके। और वैसे कि ये कार्ड प्राइस बहुत मनी है, बढ़िया कार्ड है। तो बात करते हैं अगले ग्राफिक कार्ड की ओर चलते हुए, यह है MSI का GT 742 GB DDR5। तो इसका प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा है, पर यह बहुत ही अच्छा कार्ड है और काफ़ी अच्छी गेमिंग इसमें भी की जा सकती है। इसकी स्पेसिफिकेशन की बात की जाए तो उसकी रिलीज डेट थी 29 मई 2014। लॉन्च प्राइस में कम से कम ये तकरीबन 6,052 रुपये में लॉन्च हुआ था, और इसके 384 CUDA कोर्स है, पिछले वाले कार्ड से बहुत ही ज़्यादा कोर्स है। बेस क्लॉक इसकी 993 MHz है, इसको आप ओवरक्लॉक कर सकते हैं 1000 MHz तक। की मेमोरी क्लॉक है 1252 MHz, मेमोरी साइज इसकी 2GB DDR5 है, पिछली वालों की DDR3 थी, DDR5 है, तो ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का है। और इसकी मेमोरी बस विद वही 128 बिट्स है, और ये नॉर्मल वही 16x स्लॉट पे चलता है। ये आजकल की कोई भी लेटेस्ट गेम हाई रेजोल्यूशन पे चला सकते हैं और हाई रेजोल्यूशन मॉनिटर सपोर्ट कर सकता है। जैसे कि आजकल लेटेस्ट आ रहे हैं 4K मॉनिटर्स आने लग गए हैं मार्केट, उन्हें भी सपोर्ट कर सकता है काफ़ी अच्छे रेजोल्यूशन पे। और जैसे कि पहले पुराने के कार्ड होते थे बहुत ही बल्की होते थे, हैवी होते थे और हीट बहुत निकलती थी उनमें से, ये बहुत ही बढ़िया उसके मामले में है, काफ़ी कम हीट देता है और काफ़ी छोटे साइज में है, तो काफ़ी कंफर्टेबल होगा और आपकी सारी एप्लीकेशन प्रोग्राम्स ये बहुत ही स्मूथली चलाएगा। और अगर आप इसके फुल रेजोल्यूशन का लुत्फ उठाना चाहते हैं तो आप एक बढ़िया सी HDMI केबल खरीद सकते हैं और अपने डेस्कटॉप से कनेक्ट कर सकते हैं, अगर आपका मॉनिटर HDMI सपोर्ट करता है तो। चलिए चलते हैं अगले ग्राफिक कार्ड की ओर, जो है सफायर का R7260X 2GB DDR5 ग्राफिक कार्ड। फिर से इस ग्राफिक कार्ड का थोड़ा सा प्राइस इंक्रीमेंट है, और ये एक एंट्री लेवल गेमिंग ग्राफिक कार्ड है। इसमें आपको वेरी हाई और अल्ट्रा अल्ट्रा सेटिंग्स पर गेमिंग खेल सकते हैं 1920x1080p के फुल रेजोल्यूशन, और ये आज की मोस्ट डिमांडिंग सारी गेम्स जो भी मार्केट में न्यू आ रही हैं सब चला सकते हैं, जैसे कि टॉम राइडर, मॉडल कॉम्बैट, लेफ्ट फॉर डेड 2 और NFS रन, और भी बहुत सारी गेम है जो हाई सेटिंग्स पर चलाई जा सकती है 40 to 60 फ्रेम पर सेकेंड पर।
अगर आप गेम को थोड़ी सी क्लैरिटी में खेलना चाहते हैं और तो उसके लिए बहुत बढ़िया कार्ड। बात करते हैं इसकी स्पेसिफिकेशंस की, तो ये रिलीज हुआ था 8 अक्टूबर 2013 में। इसकी लॉन्च प्राइस थी 9,452 रुपीज। ये आता है आपका 896 CUD, सॉरी गलत कह दिया मैंने, ये आता है 896 टीम प्रोसेसर के साथ। इसकी बेस क्लॉक है 1100 MHz, मेमोरी क्लॉक है 1625 MHz, और ये भी आता है 2 GB DDR5 मेमोरी के साथ। इसकी मेमोरी बस विद है 128 बिट्स की। PCI Express 16X स्लॉट पे चलता है और इसकी मिनिमम पावर कंजप्शन 115 वॉट्स है। तो चलते हैं हमारे सबसे हाई एंड गेमिंग ग्राफिक कार्ड और लास्ट फिफ्थ ग्राफिक कार्ड के साथ, जो है ZOTAG ZTX 750 Ti 2 GB DDR5। ये कार्ड हाई लेवल गेमिंग ग्राफिक कार्ड है। परफॉर्मेंस की बात करें तो ये आज के सभी लेटेस्ट गेम्स को टक्कर दे सकता है, जैसे कि Battlefield 4, कॉल ऑफ ड्यूटी एडवांस वॉरफेयर, ग्रिड ऑटो स्पॉट और बहुत सारी गेम है जो 1920 1080p पे हाई अल्ट्रा सेटिंग्स पे चलाई जा सकती है। और अगर इसकी कूलिंग की बात करें तो ये नॉर्मली 38 डिग्री सेल्सियस पे रहता है, पर अगर इस पे आप अगर हाई लोड पे चलाएंगे तो 60 से 70 डिग्री तक भी चला जाता है। और आप जानते ही होंगे कि बात इंडिया में बहुत गर्मी होती है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपने कैबिनेट्स में थोड़े बढ़िया से फैन लगाएं, एयर फ्लो अच्छा करें, तो आप इस ग्राफिक कार्ड को लोड पे भी, हाई लोड पे भी अच्छे से चला सकते हैं। पैसों के मामले में बहुत बढ़िया कार्ड है। और अगर आप और इसकी स्पेसिफिकेशन की बात करें तो ये रिलीज होता 18 फरवरी 2014 में और इसे रिलीज हुए शायद 2 साल हो गए हैं। और इसकी लॉन्च प्राइस 10,132 रुपये के 640 CUDA कोर्स हैं। इसकी बेस क्लॉक 10 से 20 MHz है। इसको आप 1070 MHz तक ओवर क्लॉक भी कर सकते हैं। बूस्ट क्लॉक 1085 MHz है और मेमोरी क्लॉक इसकी 1350 MHz है। मेमोरी साइज 2048 MB GDDR5 है, जो कि 2 GB DDR5 है। मेमोरी बस 128 बिट साइज की, वही PCIe 16X स्लॉट है और ये मिनिमम ये पावर सेवर कार्ड है, ये 60 वॉट कंजप्शन करता है कम से कम। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि mdcomputers.in, जो कि बहुत ही अच्छा आईडी अल्टीमेट गेमिंग सोल्यूशन है, वेबसाइट है एमडी कंप्यूटर्स, और इसमें बहुत ही बढ़िया आपको कंप्यूटर्स के कंपोनेंट्स मिल जाते हैं अपने, जो कि बहुत ही बढ़िया फ्री शिपिंग देता है, फ्री रिटर्न देता है, सिक्योर्ड शॉपिंग है और 24/7 इसकी कॉलिंग सपोर्ट है। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप एमडी कंप्यूटर्स से खरीदें, .in से खरीदें। इसका डिस्क्रिप्शन मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और आप किसी भी साइट से कंपेयर कर लीजिएगा, इससे सस्ता कोई नहीं दे रहा होगा। सो प्लीज अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो एमडी कंप्यूटर। तो दोस्तों ओके फ्रेंड्स, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छी लगी हो तो डिसलाइक कीजिए। और अगर आपको कोई सजेशन या फिर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल सकते हैं। और वीडियोस के लिए हमारी हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।